एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों को इस दिन मिलेगा नया वेतनमान। विकल्प के लिए 15 अप्रैल लास्ट डेट विभाग ने निर्देश कर दिए हैं जारी। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। नए वेतनमान के लिए सरकार कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के तहत हिमाचल सरकार ने पंजाब की तर्ज पर वेतनमान का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक का समय दे दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों से वेतन वृद्धि को लेकर ऑप्शन मांगकर विभाग को सूचित किया जाएगा। दोस्तों दरअसल बीते साल ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छठे वेतनमान के लाभ देने का ऐलान किया था, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू नहीं हो पाई। इसका कारण सरकार द्वारा दिए गए 2 विकल्प थे। हिमाचल सरकार नया वेतनमान जारी करने की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए गए थे। ये 2.25 और 2.59 के गुण के थे, जिनके तहत वेतन वृद्धि का विकल्प चुनने का मौका दिया गया था, जिसका विरोध भी हुआ था। दोस्तों कर्मचारियों की ओर से मांग उठाए जाने के बाद फिर सीएम ने 15% वेतन बढ़ोतरी का तीसरा विकल्प भी दिया था, जिसके तहत 15% बढ़ोतरी के विकल्प में एरियर नहीं देने का प्रावधान लिया था, जिसकी डेडलाइन मार्च तक की थी, लेकिन अब इसे 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। वित्त विभाग ने नया वेतनमान चुनने के लिए अब कर्मचारियों को 15 अप्रैल 2022 तक का समय दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव, विभागीय अध्यक्षों, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाओं 2022 के तहत 15 अप्रैल तक अपने विकल्प का सुझाव दे दें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2016 से ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनों को छठे वेतन आयोग के लाभ दिया जाना है, लेकिन बार बार वेतन वृद्धि के मौके देने और कर्मचारियों के विरोध के चलते यह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब आखिरी बार 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है कि सभी कर्मचारियों से विकल्प मिलने के बाद ही जयराम ठाकुर सरकार छठे वेतनमान के लाभ और कर्मचारी और पेंशनों को देने का अंतिम फैसला लेगी। इसका लाभ 20,000 कर्मचारी को मिलेगा। 1,80,000 को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।